हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई मेटल रिएक्टिव जो रहेंगे उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करना है। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से है वो पहले हम देखेंगे। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था, देखो बच्चों, तो इस तरह से इसको लिखना के ना का मग अला इट इज। तो ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स है ये हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हम इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम हाई रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसका करेंगे? ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, उनके जो क्लोराइड्स या फिर ऑक्साइड फॉर्म में हमें जो और मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, मोल्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे। तो मेल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट भी उसको हम कहते हैं, फ्यूज स्टेट। ओके, तो मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट जो रहेगी उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। आप सोचेंगे कि वाटर के साथ उनको हम वाटर के साथ उनका वाटर का एक्वियस सॉल्यूशन लेके, उनका एक्वियस सॉल्यूशन लेकर उसका उसे हम उस मतलब एक्वियस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं करेंगे, बराबर है। तो मोल्टन स्टेट ही क्यों चाहिए, तो एक्वियस सॉल्यूशन उसका क्यों नहीं चाहिए? अगर समझो हमने इसका सोडियम और क्लोरीन का एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया, बराबर, और यहाँ पे हमको सोडियम मिल भी गया, सोडियम मेटल हमको मिल गया, बराबर। तो ये सोडियम जो मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्ट होके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टू अवॉइड दिस ये हम इसको एक्वियस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते। तो याद रखना मोल्टन स्टेट ही यहाँ पे हम उनका लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो बच्चों, तो ये सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय देयर मोल्टन क्लोराइड, बराबर। तो इसका मोल्टन क्लोराइड हम लेंगे सोडियम क्लोराइड का, NaCl लिक्विड स्टेट में वो रहेगा, ना कि एक्वियस स्टेट में। ओके, तो जिस तो यहाँ पे हम उसका जो मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चा, हमें मिलेगा सोडियम और क्लोरीन गैस। सोडियम हमें मिलेगा सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन हमें गैसीय स्टेट में। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये सोडियम जो है ये हमें मिलेगा कैथोड पे और ये मिलेगा एनोड पे। ओके, ये बात भी हम याद रखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे, 2NaCl 2NaCl 2, ठीक है। तो ये सोडियम पे हमें मिल रहा है, कैथोड पे सोडियम और एनोड पे क्लोरीन। तो इनकी रिएक्शन लिखना भी बहुत जरूरी होता है। तो एट एनोड क्या होता है, एट एनोड पे होता है ये जो दो क्लोरीन होते हैं जिन पे सिंगल चार्ज रहता है, वो दो इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं और यहां पे क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। देन एट कैथोड रिएक्शन होती है, सोडियम जो रहता है एने वो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है और यहाँ पे ये सोडियम आयन रहता है। तो सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे यहाँ पे हमको मिलता है सोडियम। ओके, सोडियम आयन है, वहाँ पे एक आयन था, पॉजिटिव आयन था, तो एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो एक इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेता है और यहाँ पे सोडियम फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, ये दोनों लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और अनदर एक एग्जांपल देखेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ जो
जो कि क्लोराइड का, अभी ऑक्साइड का देखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो Al2O3 जो है जिसको हम एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिना कब कहेंगे, जबकि वो जब लिक्विड स्टेट में रहेगा तब। तो एल्यूमिना जो है उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे हमें एल्यूमिनियम फॉर्म होगा और यहां ऑक्सीजन गैस यहां पे रिलीज होगा, जो कि देखो बच्चों कि यहां पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के एटम 3 है, यहां पे ऑक्सीजन के एटम 2 है। ओके, तो यहां इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। तो 2 6, 2 × 3 6, 3 × 2 6, ऑक्सीजन लेवल मतलब ऑक्सीजन का जो एटम है बैलेंस्ड हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम यहां पे होते 4 फिर। तो देखो अब यहां पे हम देखेंगे इनकी कैथोड रिएक्शन। एट कैथोड क्या होता है, कैथोड पे ये जो एल्यूमिनियम होता है जिस पे 3 चार्ज होते हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज, ये 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके एल्यूमिनियम फॉर्म कर लेता है, एल्यूमिनियम जो कि सॉलिड स्टेट में। देन एट एनोड जो ऑक्सीजन होता है जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ओके 2 नेगेटिव चार्ज, ये क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा मतलब जो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस पे था तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, लूज कर देगा। यहां पे अगर यहां पे हमें O2 मिलता है तो हमें याद रखना चाहिए कि यहां पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे कि जो 4 इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करेंगे और O2 गैस यहां पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स वो होता है, जो कि हमने क्लोराइड फॉर्म और क्लोराइड का मोल्टन फॉर्म और ऑक्साइड के मोल्टन फॉर्म लिया है। और मैंने बताया कि वाटर क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, हाई रिएक्टिव होने के कारण वो क्या कर लेंगे, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसका आपके सॉल्यूशन हम